अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जी एम चौहान ऑफिसर। मेरे दोस्त लाहौर का जिक्र हो और लाहौर के खुश खुराकों और लाहौर के खानों का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूं लाहौर के साथ ये ज्यादती है। इसी से मद्देनज़र रखते हुए मैं आज पैरागॉन सिटी में मौजूद अरोमा रूफ टॉप की सैर के लिए आया हूँ और आप सब दोस्तों को मैं दिखाता हूँ कि ये होटल कैसा है और यहाँ पर क्या क्या बना, क्या कुछ बनता है और इनका व्यवहार कैसा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा। ये देखिए रूफ टॉप के जो हैं बैरूनी मनाजर, और मज़ीद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रूफ टॉप आपके सामने है। अभी मैं आपको इस रेस्टोरेंट के खसूसियात और इसकी सैर करवाऊँगा। ये देखिए जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं रूफ टॉप में, तो ये सबसे पहले यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक स्ट्राइजर रखा हुआ है और साथ में एक जो है वर्कर भी, जो भी क्लाइंट आए वो अपने हाथों को प्रॉपर स्ट्राइज किए बगैर, SOPs को मद्देनज़र रखे बगैर रेस्टोरेंट में उनका दाखिला मुमकिन ना हो, क्योंकि ये जो कुछ भी है सब आप ही की जो है वो सेहत के लिए है, आपकी सेहत पर मुकम्मल तवज्जो देने के लिए और आपको महफूज माहौल फराहम करने के लिए रूमा रूफ टॉप ने जो है वो मुहैया कर रखा है। ये अब आपके सामने है ये रूफ टॉप की वजह तस्मिया यही है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये छत पर बनाया गया है, तो इसी मुनासबत से रूफ टॉप दीगर जो है वो मनाजर जो आपको मैं दिखाऊँगा। ये देखिए ये सामने रूम है लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं है। टॉप का हिस्सा जो है, छत का हिस्सा, वो ऑपरेशनल इस वक्त और अपने ग्राहकों के लिए हमातन मशगूल है। जी हम एंट्रेंस से जो हैं दाखिल होते हैं। मेरे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सफाई नस्फ ईमान है, तो आप ये एक टेबल जो है ये सजा हुआ देखिए, अरोमा रूफ टॉप रेस्टोरेंट पैरागॉन सिटी लाहौर। क्योंकि ये वर्किंग आवर नहीं है, इसकी जो रौनकें हैं वो शाम को बहाल होती हैं, तो फिर शाम को अगर मैं वीडियो बनाता तो आपको सही तरह से अंदाज़ा होता कि क्लाइंट्स कितने होते हैं, इनकी डिशेस कैसी हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुतारफ़ करा सकूँ कि कभी भी आपका लाहौर आना हो, अरोमा आना हो, तो बिलखसूस जो है रूफ टॉप अरोमा को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसे अपने आप तकवात के मुताबिक पाएंगे। और ये देखिए अरोमा मुअद्दब किस्म के जो उनके वेटर्स, ये सब आपके मेहमान नवाजी के लिए आपके मंतज़र हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि रूफ अरोमा अंदर सफाई निसफ ईमान का जो है वो किस कदर ध्यान रखा जाता है। ये जनाब देखिए, ये हैं फूल हैं जनाब, ये देखिए, और इसके साथ साथ वो सब कुछ जिसमें ख़ास तौर पर सफाई का पहली तरजीह के तौर पर जो है वो ध्यान। जनाब एक टेबल और है, ये मुलाजा फरमाइए, इसमें भी गुलदस्ते जो लग चुके हैं, और इसी तरह ये देखिए सफाई सुथराई जगह जगह पर हर चीज़ में, ये चीज़ आपको वाज़े तौर पर और बोलती हुई नज़र आएगी। यही अरोमा रूफ टॉप की बुनियादी खूबी है, इसमें किसी किस्म का भी कोई शक नहीं कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ महसूस। इसी तरह बिल्कुल ये देखिए दूसरा टेबल है जो आपके सामने बिल्कुल उसी तरह सजा हुआ, सफाई और सुथराई SOPs के मुताबिक आप देखते चले जाएं, मज़ीद ही आगे देखें। और फिर जब हम एंटर होते हैं तो शेड के नीचे जो है या देखिए ये देखिए फिर सब कुछ सारी सेटिंग दी गई है, जो मुझे नहीं देखा सबको बहुत पसंद है। अब ये देखिए हमारे शेफ अरोमा रूफ टॉप के शेफ और उनके हाथ के बने हुए ये मज़ेदार जो हैं चीज़ें, खाने वगैरह भी आपके सामने अभी आएंगे। ये देखिए ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे से इनको मैं जानता हूँ, ये इनके जो हैं वो इनके साथी हैं जो इधर काम करते, तो इन सब से मिलकर इंशाल्लाह आप सब और आप कभी आ पाएगा। और ये देखें, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वर्किंग आवर्स नहीं है, तो शाम के वक्त इसकी रौनकें बहाल होती हैं, लेकिन आप ये सब कुछ देखकर
ये मसाला जात देखकर, ये सब कुछ इनके सफाई सुथराई देखकर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका खाने का मियार जो है। तो इंशाल्लाह आपको अरोमा ग्रिल के जो है वो मियार का, बेहतरीन मियार का आपको अंदाज़ा होगा। तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप दोस्त जब भी लाहौर विज़िट करें और पैरागॉन की तरफ आना आपका हो, तो आप एक चक्कर रूफ टॉप पैरागॉन सिटी का जरूर लगाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ख्याल ठीक ठाक, कैसे मिजाज है आपके? शुक्र है ठीक ठाक जी। जनाब कैसे, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 6 साल हो गए। 6 साल, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वक्त आपने एक इदारे को दिया है। तो ये आपके यहाँ जो स्पेशली चीज़ बनाई जाती है वो क्या है, जो आप समझते हो कि भाई हमारे यहाँ की स्पेशल चीज़ है? जी स्पेशल हमारी देसी कढ़ाई मटन दी, माशाल्लाह तवा पीस, माशाल्लाह पूरे मिक्स टका था, माशाल्लाह माशाल्लाह चाइनीज और फास्ट फूड, और इसके अलावा नाश्ता वगैरह? हाँ जी नाश्ता भी है। अच्छा वेरी गुड। तो नाश्ता आप? पूरी हलवा पूरी। वेरी गुड। तो अब नाश्ता, अब ये यानी डेली के उस पर होता है या शुरू करना? डेली बेसिस पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका इसमें ग्रामी? वाजिद अली। वाजिद अली, वाजिद अली साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे। ये देखिए यहाँ का मुस्तैद अमला, बाइखलाक, साफ सुथरी वर्दियाँ, जैसा माहौल वैसा यहाँ के बंदे। ये सब बेहतरीन सर्विस फराम करेंगे, खुश इखलाकी खुश मिजाजी के साथ आप सबको वेलकम कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अज़ीज़ अरोमा रोप टॉप जो है ना टॉप पर ही दफन होकर खिलाएंगे। जो है इसके जायके से लुत्फानंदोज होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिश कटा कर जो है ये अपने आप मिसाल जो है वो आप है। ये देखिए किस कदर मेहनत और मुस्तैदी और तवज्जो के साथ से बनाया जा रहा है, और ये हमारे साहिब हैं जो कटा कटा आपके सामने बना रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा खाने के बाद ही आपको इसका अंदाज़ा हो सकता है कि इसका जायका क्या है। सो आप एक बार तशरीफ़ लाइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी ट्रकों पर चौकात पर एन जो है वो पूरा उतरेंगे और आप लुत्फानंदोज हैं। ये इमरान साहब हैं, बहुत पुरानी इनसे याद अल्लाह। ये रेस्टोरेंट जो बन रहा था उस वक्त भी मैं इधर था। ये समझ लें कि फ़कीर हकीर की जो है काविशों का नतीजा है कि अल्लाह के फजल करम से अरोमा जो है आज मुकम्मल तैयार होकर आपके सामने आप लोगों की खिदमत करने के लिए। तो ये इमरान भाई, अगर अपने ग्राहकों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो मैं उनसे कहूँगा बिस्मिल्लाह। गुड आफ्टरनून एवरीवन, व्यूअर्स ऑल ऑफ यू। रूफ टॉप हमने ओपन की है, 4 दिसंबर से इसकी ओपनिंग थी, ग्रैंड ओपनिंग हुई है अरोमा वालों की, साथ में हमारा अरोमा वाला रेस्टोरेंट था। तो आपको तो पता है कोविड की वजह से जो डाइनिंग था वो क्लोज था, अभी रूफ टॉप हमने ओपन की है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो कोई भी मैसेज हो रहा है ज़रूर इधर विज़िट कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग आपको जो कर सकते हैं आपके लिए बेहतर एक्सीलेंट सर्विस देंगे, ठीक है। एक्सीलेंट हमारी फूड क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और इंशाल्लाह ताला मैं सबसे यही है कहूँगा कि आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जो देखेंगे ज़रूर इधर रूफटॉप को विज़िट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। ये देखिए जी हमारे खाने के, ये हमारे क्लाइंट हैं, ये हमारे जो साहिब हैं सामने हैं, खाना खाने के लिए आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनको यहाँ के जायके से लुत्फानंदोज होंगे हुए होंगे, और मेरी कोशिश है कि अगर चंद अल्फाज ये कह पाएँ खाने के मियार के बारे में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। खाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, इट्स अ डिलीशियस टेस्ट। मियार कैसा पाया आपने? मियार तो इसका अच्छा है, इसलिए आते हैं इधर। बहुत मेहरबानी। अच्छा तो दूसरी यहाँ की सर्विस से आप मुतमिन हैं? अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। तो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये क्लाइंट्स हैं रोमा रोप टॉप के, ये देखते चले जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, कोई शक नहीं इसमें। ये रोप टॉप की जो डेकोरेशन है उसका मनाजर आपके सामने है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि रूप टॉप की इंतज़ामिया जो है उन्होंने इसकी खूबसूरती डेकोरेशन और सेटिंग पर, जहाँ पर जो सफाई का ध्यान रखा गया है उसी तरह इसकी खूबसूरती और दिलकशी पर भी उतना ही जो है वो इन्होंने तवज्जो दी है।
ये आपके सामने, और ये देखिए पैरागॉन सिटी का बिरूनी मंजर, ये आपके सामने। फिर ये देखिए सजे हुए टेबल, दूर तक जो आप सब दोस्तों के मुंतजिर हैं कि आप आए और रूफ टॉप रेस्टोरेंट को एक बार खिदमत का मौका दें। यकीनी तौर पे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको यहाँ के जो हैं वो खानों का लुत्फ जो है और जायका जो है आपको बहुत पसंद आएगा। आप खुद भी आएंगे और अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि एक बार जो है वहाँ पर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह हमारी सर्विस, हमारे खाने, ये सब कुछ आपको आप बहुत सफाई को देखें, डेकोरेशन को देखें, दिल खुश खुश जो है होता चला जाएगा। इसी तरह ये देखिए आपके सामने सब कुछ है, और ये भी मेहमानों के लिए सेटिंग एरिया है। आप देखते चले जाएं, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन लगेगी। जो आप चलते चले जाएंगे, फिर देखिए ये अरोमा नाश्ता है, और ये फिर अरोमा फिश, और जनाब अली ये मेहमानों के बैठने की जगह से सफाई और निफासत आपको बिल्कुल जगह जगह नज़र आएगी। सफाई, नफासत और खूबसूरती का इंतजाम। ये अपने दोस्तों को भी सफाई सुथराई सर्विस के बारे में ज़रूर आगाह करें। ये एक और हिस्सा रेस्टोरेंट का ये है, ये रूफ टॉप से भी ऊपर का हिस्सा। हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर भी इन्होंने अपने मेहमानों के लिए एक सेटिंग बना रखी है, जिस पर कोई भी फैमिली आकर जो है बैठ सकती है और खुली फ़ा में बेहतरीन माहौल में जो है वो खानों का जो है और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा सकती है। तो जनाब ये है हमारा रूफ टॉप रेस्टोरेंट पैरागॉन सिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर खुद खाने के लिए आएँ